सात चरण के चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें टिकी हुई है तो 4 जून पर। जी हाँ, क्योंकि 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि आखिर हिंदुस्तान की पहली पसंद कौन है। जी हाँ, हिंदुस्तान की पहली पसंद कौन है। और हम लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, अलग अलग राज्यों में हमारे रिपोर्टर्स ने हमें चुनाव की हर एक खबर को बताया है और हर एक जनता के पास जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करी है कि आखिर देश का जो मिजाज है वो क्या कह रहा है। और अभी भी हम लोग आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पे सातों चरण के चुनाव के बाद हम लोग जनता से ये जानने के लिए आ गए हैं कि क्या सोच रहे हैं वो 4 जून को लेकर। अब की बार किसकी सरकार, किस आधार पर वो वोट डालकर आ चुकी है, जिसका फैसला जो है वो सुरक्षित हो चुका है और नतीजे 4 जून को आएंगे। हम लोग गाजियाबाद में है, गाजियाबाद के वैशाली में तमाम लोग हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक एक करके चलिए सबसे जानते हैं, हम लोग पूछते हैं देश का मिजाज क्या है। आंजी, क्या पूछिए बताइए, ऊपर वाले से क्या पूछे? नोटा 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 दबा कर आए क्यों? किसको देंगे? कौन पार्टी है वोट लेने वाला? कोई पार्टी वोट नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ जाके किसको वोट देंगे? तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। वोट की यूटिलिटी भी कुछ नहीं है ना, वोट की यूटिलिटी कुछ नहीं है। अच्छा, हमें आपको दिया, इनके पास चले गए, क्या फायदा हुआ? अंकल यहाँ पर बैठकर एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये बताइए आप वोट डाल कर आए? हाँ, वोट डाल के आ गए हैं। दिखाइए एक बार जरा एग्जिट पोल, दिखाइए वोट का निशान, दिखाइए चिन्ह, ये देखिए वोट डालकर अंकल जी आ चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मिजाज है, किसकी सरकार, किस क्या चाह रहे हैं, हवा किसकी तरफ लग रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। कौन चेहरा है फिर इंडिया गठबंधन में से? ये तो बोल रहे कि 48 घंटों में फैसला कर लेंगे कि देश प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पक्का? ये बताइए, लेकिन बीजेपी कह रही है 400 पार है। बीजेपी 400 पार का नहीं हो गया नारा, 148 से ज्यादा आ ही नहीं रही उसकी सीट। अच्छा, हाँ, बीजेपी कहने से क्या होता है? इंडिया गठबंधन में से मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बताइए मोदी जी ने क्या दिक्कत कर दी? मोदी ने सत्यानाश कर दिया पूरे देश का, कुछ किया ही नहीं, कुछ क्या किया? हाँ, दिया वोट आपने? हाँ, वोट दिया। ये नहीं है, कौन से चरण में दिया? पहले चरण में दिया था। ये बताइए, अब तो 4 जून आने वाली है, क्या लग रहा है फिर, हवा किधर लग रही है आपको? हवा आपका तो क्या? मोदी जी जीतेंगे। क्या बोला आपने? अब की बार 400 पार बोलो उनके लिए। 400 पार, यस ऑफ कोर्स। ये बताइए, आप वोट डालने गए पहले चरण में, क्या मुद्दे लेके गए थे? मुद्दे तो ऐसे कुछ खास थे नहीं, मुझे लगता है अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा। आप देश के युवा हैं, आपको क्या लग रहा है युवाओं के लिए क्या हुआ है कि मोदी जी अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? युवाओं के लिए अच्छा काम किया है, जॉब क्रिएट की है, प्राइवेट सेक्टर जैसे बाहर की कंपनियां आ रही हैं देश में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उससे जॉब भी क्रिएट हो रही हैं, तो लगता है काम हुआ है। और बाकी आने वाले टाइम में और भी अच्छे काम करेंगे मोदी जी। मैम, ये बताइए किसको जितवा रही हैं फिर? मोदी जी, ऑलवेज मोदी जी, व्हाई नॉट? क्या काम कर दिया ऐसा मोदी? कितना डेवलपमेंट किया, क्या नहीं किया है मोदी जी ने, हर चीज़ करा, इतना रोड डेवलप हुआ है, एजुकेशन सेक्टर हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में, सोच से हमारा देश डेवलप होगा। मोदी जी अब की नहीं हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी, विपक्ष भी बोल रहा है, राहुल गांधी भी बोल रहा है, कुछ है नहीं राहुल गांधी, नो। अच्छा, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी अगर बन जाते हैं तो? नो, प्लीज नो, नो कमेंट, अ बिग नो, अ बिग नो फॉर राहुल गांधी। यस, चलिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। वोट दिया आपने, कब दिया था, कौन से चरण में दिया था? चरण क्या होता है? चौथे चरण में। चौथे चरण में मतलब चौथे फेज में आपने वोट दिया, क्या मुद्दे लेके गए थे वोट देने, क्या मुद्दा, क्या सोच रहे थे, क्या किन आधार पर वोट करके आए? ऐसे दे दिया। ये बताइए पसंद कौन है आपकी, लगता है प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उस गद्दी पर बैठेंगे? जरूर बनेंगे। दावे से क्यों बोल रहे हैं भैया? देख लेना, अभी तो रिजल्ट आने वाला है कुछ दिनों बाद, बस 2-3 दिन बचा, आपको बता देंगे फिर। बता देंगे आप मुझे? जरूर। आप क्या सोच रहे हैं, वोट देकर आए? बिल्कुल देकर आए हैं, मोदी जी आ रहे, 400 पार हो रहे हैं। अब की बार 400 पार कैसे हो रहे हैं, जरा आंकड़ा समझाइए मुझे, विपक्ष भी कह रहा है तीसरा। विकास क्या है, गांव में काम किए हैं, हर जगह काम किए हैं, उसके लिए 400 पार हो रहे हैं। अच्छा, हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। और उसने काम ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आदमी सोचेंगे। अच्छा।
अच्छा। इसके लिए प्रधानमंत्री आप आज इतने दिन पहले लोग प्रधानमंत्री बनते थे, पता नहीं रहता था लोगों को कि प्रधानमंत्री कौन है। आज के टाइम में बच्चे बच्चे को पता है प्रधानमंत्री कौन है। हाँ जी, इसलिए बच्चे बच्चे को पता है। आप किसको चुनकर आ गए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये? मोदी जी हैं हम। हाँ जी, आप भी मोदी जी हैं? हाँ जी, मोदी जी का पार्टी है, कैंडिडेट है। हम लोग पूरा जितनी भी फैमिली है पूरा वोट मोदी जी को ही गया है। अच्छा। हाँ, यहाँ से लेके बिहार तक, हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? हाँ जी, बिहार से कुल बहमत से आ रहा है, बिहार में सहरसा जिला से। हाँ जी, आपकी बार मोदी जी, मोदी जी है, आना भी चाहिए उन्हें। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सातवां नंबर पर देश था, अभी चौथा तीसरा पर चल रहा है। ये तो देखिए कितना बड़ा संविधान में है, ये देखिए कम से कम। अच्छा, बिहार में क्या चल रहा है अभी? बिहार में बस सारे मोदी जी को वोट हो रहे हैं, वहाँ से भी वही आएंगे। अच्छा। 40 के 40 सीट, एक आध हो जाए भविष्य गलती से तो बात अलग है। हाँ। नहीं तो मोदी जी है। ठीक है, जरा हटिए, चलते हैं जरा अंकल जी के पास चलते हैं। वोट डाला अंकल आपने? हाँ? वोट डाला? मैं गया ही नहीं हूँ कहीं। क्यों? नहीं गया ना, जा नहीं पाया ना। गजब के हैं, डाले लग रहे हैं तो वोट कहाँ से डाल ले जाऊँ मैं। वोट नहीं डाला, डाले कैसे हो गए? क्या लग रहा है आपको 4 जून को क्या होगा? कुछ नहीं भाई, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई धंधा नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा तो क्या कहें। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी, वो कोई भी बने, हम तो अपनी रोड पर ही हैं, अपने पटरी पे हैं। वो कुछ भी बने, कोई बने, हमें क्या करना, वो हमें कोई खाना दे रहे हैं। तो जी वोट देकर आए आप? वोट हाँ दे दिए, यहीं से दिया, गाजियाबाद? नहीं नहीं नहीं, ये प्रयागराज, प्रयागराज मतलब यूपी से। हाँ, यूपी से। क्या लग रहा है किसकी हवा है आपकी बार? 4 जून आने वाला, बस अब नजदीक है, अब देखिए किसका हवा लगती है। अच्छा, आप किस आधार पर वोट कर कर आए? क्या मुद्दे थे आपके पास? मुद्दा? हाँ। मुद्दा यही थे सारे, क्या बोलते, विकास होना चाहिए। हाँ, हुआ विकास? हाँ, विकास तो हो ही रहा है। बीजेपी ये 400 पार लेकर आ रहे हैं, तो बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया था जनता को लॉलीपॉप देने के लिए। जनता को नहीं, विपक्ष को। विपक्ष को? यस, जनता भी लेकिन बोल रहा है जिसको देना हो दे। विपक्ष भी बोल रहा है कि 300 पार तो हम भी हैं। वो तो लपेटे में आ गए ना। हाँ, 400 के। क्या लग रहा है ये बताइए? अब देखिए फाइट तो है, अब देखिए बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी? कितनी सीटें निकाल लेगी? सीटें का आइडिया नहीं है, लमसम फिर भी आइडिया होगा। वो जो हाफ जो कितना बनता है, हाफ 500 का हाफ कितना हुआ, उसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 300 पार हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बनना चाहिए उन्हें? हाँ, बनना चाहिए। मतलब वो बैठने लायक हैं उस गद्दी पर? क्यों नहीं, दो आइटम निकाल दिए उन्होंने तो बन गया है। तो देश की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे तीसरी बार? क्यों नहीं उतरेंगे, सोच लिया मतलब? हाँ, सोच लिया। मैं घर पे बात कर रहा हूँ। किससे? किससे? वाइफ से। हाँ, क्या बात कर रहे हैं हमें? हेलो, ये मैडम है, पत्रकार मैडम बोल रही हैं, आप वाइफ से क्या बात कर रहे हो? बताओ बताओ क्या बात, क्या बात कर रहे हो? हमें को भी बताओ यार, हमें भी बता दो क्या बात कर रहे हो। कुछ पर्सनली बात कर रहे हैं वो, पर्सनल बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वाइफ से जरा पूछिए, वोट डाला इन्होंने? उन्होंने नहीं डाला। नहीं डाला? आपने डाला? मैंने डाला। कहाँ का डाला? यहाँ डाला? हाँ, यहीं डाला। क्या लग रहा है फिर अबकी बार? फिर कांग्रेस है। कांग्रेस है? और क्या, कांग्रेस में कौन? राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं। मोदी जी तो लेकिन 400 पार कह रहे हैं भैया। मोदी जी कहने से क्या होता है, हम भी कह देंगे कुछ भी। कहने से थोड़ी कुछ होता है, क्यों आ तो राहुल राय तो आ रहा है। राहुल गांधी क्यों आना चाहिए वैसे बताइए, देश के लिए सही है? सरकार बदलना चाहिए ना। बदलना चाहिए, 10 साल में बदलाव चाहिए। 10 साल में? मतलब विपक्ष कह रहा है कि 300+ है, वो तो अपनी अपनी सोच है, अब जो जिस पार्टी का बोलता है। किसकी सरकार बनवा रहे हैं मतलब? अब राहुल गांधी तो राहुल की बनवा रहे हैं। ये भैया बड़े गौर से सुन रहे हैं, वोट दिया आपने? हाँ, वोट किया। कहाँ का, कहाँ दिया वोट? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में दिया। एक महीना हो गया लमसम। क्या लग रहा है फिर, किसको जितवा रहे हैं आपकी बार? देखो डिपेंड करता है क्या होता है। आप क्या मुद्दे सोच के गए थे? हमने तो एजुकेशन को वोट किया है। एजुकेशन पर वोट किया है, लेट्स सी कि क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम बड़ा है या बदला है, क्या हुआ है? अगर एजुकेशन हमने दिया हुआ है वोट, जिसको वोट किया है हमने, हमारी यही उम्मीद है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं उस पर वो आगे काम करें। हाँ,
सो लेट्स सी क्या होता है कि बीजेपी आती है। ये तो देखो जो राजनीतिक लोग हैं वो एनालिसिस करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम तो नहीं कह सकते इस बात को, बट देखते हैं 4 तारीख को पता चल जाएगा। ये बताइए क्या सोच के आपने वोट दिया, ये तो आपने खैर बता ही दिया। ये बताइए देश के प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तीसरी बार वही बने या फिर कोई बदलाव चाहिए? नहीं देखो नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है काम नहीं किया, अच्छा काम किया है। अरे भैया घुमा फिरा के बता रहे हैं, सीधा सीधा बताइए। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हाँ दो टर्म सोच रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम किसी और को मौका मिलना चाहिए। आप चाहते हैं बदलाव को? जी बदलाव, मतलब बदलाव में आपकी पसंद कौन है फिर ये? नहीं इसमें देखो पसंद ना पसंद वाली बात नहीं कह सकते हम कि पसंद तो ना, ये तो डिपेंड करेगा कि 4 तारीख के बाद भाई रिजल्ट किसके फेवर में है। वोट दिया? वोट दे दिया मैम। किसको जितवा रहे हैं फिर अब की बात? मोदी जी को। मोदी जी ने क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया जी, एक आधा काम क्या कर बताना, बताओ आप ये बताओ कि कौन सा काम नहीं बताए, सारे काम मोदी जी ने कर रखे हैं हमारे हिसाब से तो सारे। उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी से मैम। टिहरी से, टिहरी गढ़वाल। तो मोदी जी ने ऐसा क्या क्या करा है जो आप चाहते हैं कि आज ही देख लो मोदी जी कहाँ निकल गए हैं, पता होगा आपको कहाँ निकले, आप बताइए ना। मैं 40 घंटे ध्यान में भी बैठे हैं ना फिर, कन्याकुमारी में आप कर सकते हो? अरे नहीं आप कर सकते हो, ये ऐसा कौन सा काम है जो कोई नहीं कर सकता ये बताइए। मैडम गुफा में गए थे, गुफा में आप अकेले जा सकते हो? इससे पहले गुफा में गए थे वो अकेले जा सकते हैं? मैं नहीं जा सकता खुद, मेरी 42 एज है, मैं खुद नहीं जा सकता आज की डेट में गुफा में, मोदी जी गए थे लेकिन तो और क्या बताए फिर, वे लगा लो शिव शंकर वो है, राम वो है, सब कुछ वो है हमारे लिए, तो भगवान के बाद दूसरा उनको पूजा जाता है। मोदी जी को पूछते हैं आप? हम पूछते हैं जी, बिल्कुल पूछते हैं जी, दिल से पूछते हैं मोदी और योगी जी को। अच्छा योगी जी तो फिर हमारे उत्तराखंड आपके CM तो वहाँ के हैं फिर, पुष्कर सिंह धामी जी? कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया। लेकिन मोदी जी को आप थोड़ा और बताइए, मोदी जी की पूजा करते हैं कैसे? पूजा करते हैं? पूजा करती है दुनिया करती है, मैं अकेला नहीं कर रहा, दुनिया कर रही है मैम, कमाल बात का। एक बात बताओ मेरे हिसाब से 75% लोग हो गए जो पूजा करते हैं, बाकी 25% ऐसे जो खाली पैसे की पूजा करते हैं, हम उनमें से नहीं है, हम काम की पूजा करते, जो काम करेगा हम उसकी पूजा करेंगे। काम कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैसा लगेगा आप? अब मैडम देखो ज़्यादा नहीं बोल के मैं कुछ किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करूँगा, क्या राहुल और क्या अखिलेश किसी के नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बंदा काम कर रहा है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल डट के। मजा आता है क्या खाने में? कुछ मजा नहीं आता। तो क्यों खा रहे हैं? ऐसे खा लिए, कभी काल खा लिए, बोर हो रहे हैं तो ऐसे ही खा लिए। हाँ वोट डाल कर आए ये बताइए। हैं? वोट डाला? नहीं। क्यों? यहाँ हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं। कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से है ये तो। नीतीश बाबू है वहाँ पे, कैसा काम कर रहे हैं वो? अब क्या कर रहे हैं सोऊ जाने, वो पलटी मार है कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब तो बीजेपी के साथ आ गए हैं? अब तो बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी के साथ आ गए, इलेक्शन खत्म होगा उसका फिर ऐसा मिल जाएगा दूसरे के साथ, जहाँ फायदा हो वहाँ मिल जाना, वहाँ मिल जाना। अच्छा ये बताइए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बने तो आपको कैसा लगेगा? जो बने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट दिया आपने? नहीं हम मैं भी नहीं दिया। नहीं दिया? कहाँ का है? मैं भी बिहार का हूँ। मयूर विहार के हैं तो वोट ही नहीं दिया? नहीं पटना जिला का हूँ। पटना जिला का है, यहाँ मयूर विहार रहते हैं? नहीं गाजीपुर में रहता हूँ। कह रहे हैं भैया सबसे ज्यादा कांग्रेसियों ने वोट नहीं दिया है, सही बात है। ये कांग्रेस सारे यहाँ कांग्रेस ही तो नहीं सब, नहीं हाँ देर रात कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, वोट दिया नहीं हमने, दिया वोट देखो डॉली शर्मा को। अच्छा बड़ाई सब करते हैं कांग्रेस की, वोट किसी ने डाला नहीं, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है यार, वोट तो डालना चाहिए। एकमात्र वोट का इस्तेमाल करना था ना आप लोगों को। ये बताइए क्या होने वाला है आप 4 जून को, क्या लग रहा है कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। क्यों बनेंगे, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी? नहीं कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाएंगे? नहीं कैसे बनेंगे, ही तो राजीव यही मोदी जी बनेंगे। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया ये तो बताइए, क्या किया है जो ना वो तो जनता जानेगा। अच्छा तो जनता नहीं है, आप कौन है फिर? तो मैं भी जनता हूँ, क्या ने कर दिए, घरे घर वो सिलेंडर दे दिए, स्कूल बना रहे हैं ना, खाना पीना सब सब दे रहे हैं। अच्छा
क्या बोल रहे हैं इधर ये? हाँ ये देखिए, ये डर गए। मोदी जी मतलब बनने वाले हैं आपकी बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री? हाँ जी, बन रहे हैं, पक्का बन जाएंगे, एकदम पक्का। 100% सौ इधर बोल दीजिए, 100% ऐसे करके 100% 100% हाँ। चलिए ठीक है, देखिए गाजियाबाद के वैशाली में हम लोग मौजूद थे और क्या कहता है देश का मिजाज इस वक्त, क्योंकि 7 चरण के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं। अब अगर सबको इंतजार है तो 4 जून का इंतजार है। आप क्या सोच रहे हैं अब की बार 4 जून को लेके, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका भी विचार देना, कोई राय देना, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और जनता की तो आवाज़ आपने सुन ही ली है, कोई मोदी जी की तरफ है तो कोई राहुल गांधी की तरफ है, तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए आपकी राय जाननी भी बेहद ज़रूरी है। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, गाजियाबाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।